राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृतिदा यशोदा की बातों के सोच में खोई हुई रहती है। तो यशोदा कहती है, क्या बात है, किस विचार में लुप्त हो? तो कृतिदा कहती है, क्षमा कीजिए जी, मैं आपकी मुख में से निकली बात का स्मरण हो गया था। तो यशोदा कहती है, कौन सी बात? तो कृतिदा कहती है, कुछ समय पहले राधा के विवाह के विषय में मुझसे बात की थी। तो यशोदा कहती है, मुझे सब स्मरण है, ये भी कि मैंने तुझसे राधा की विवाह के विषय में बात की थी, और ये भी कि तुमने उत्तर दिया था कि राधा अभी विवाह के योग नहीं है और उसके विवाह का विचार अभी दूर है। तो कृतिदा कहती है, कहा तो यही था, परंतु जिस प्रकार राधा ने अपना उत्तरदायित्व लिया, कृष्ण के साथ खड़ी रही और वन की ओर चल पड़ी, ये सब देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी राधा विवाह के योग हो गई है। तो यशोदा सोचने लगती है कि कदाचित कृतिदा भी राधा की विवाह मेरे काना से करनी चाहती है। तभी कृतिदा कहती है, आपने मेरे राधा को अपनी पुत्री समान प्रेम दिया है, यदि आपको उसके योग वर कहीं दिखे तो मुझे अवश्य कहिएगा, मैं आपकी राधा के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढना चाहती हूँ। तो यशोदा सोचती है कि कृतिता भी अभी कान्हा के विषय में ही सोच रही है, इसलिए मैं अभी कान्हा का नाम नहीं ले सकती हूँ, और कृतिदा से कहती है, अवश्य बताऊँगा, वैसे भी राधा तो मेरी ही है। इधर दोनों की बातें राधा पर्दा के पीछे छिप कर सुन रही होती है और कहती है, ये क्या, यशोदा मैया ने तो माँ से कहा क्यों नहीं कि कृष्ण को ही ओ मेरा योग वर समझती है, कहीं मुझसे समझने में भूल तो नहीं हो गई है। मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा कि यशोदा मैया के मन में कृष्ण के लिए हूँ भी या नहीं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं, ये प्रेम को समझना उतना भी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये संसार बिना कहे तो समझता नहीं, और कभी कभी हमारे मन में जो होता है वो हम कह नहीं पाते हैं, और अगर हम कह देते भी हैं तो उसका कुछ और अर्थ निकल जाता है। तो महादेव माता पार्वती से कहती हैं, उचित कहा गौरी, राधा और कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए हैं इसीलिए, ताकि प्रेम और सम्मान में उचित ज्ञान दे सके, और तुम देखना गौरी, उचित समय आने पर माता यशोदा और माता कृतिदा दोनों ही राधा का और कृष्ण के मध्य के प्रेम को भी समझ जाएंगे, परंतु उससे पहले अन्य भी हैं जिन्हें समझना है। तो माता पार्वती कहती हैं, आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? तभी वहाँ ब्रह्मा देव आते हैं और महादेव कहते हैं, कहिए कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मदेव महादेव से कहते हैं, मैं आपसे विशेष बात पर चिंतन करने आया हूँ, मुझे उस पर आपकी राय चाहिए। राधा ने जो घोषणा की है मैं उससे अत्यंत दुखी हूँ, मेरी संपूर्ण रचनाओं के समक्ष राधा ने वृंदावन को संसार का सबसे सुंदर स्थान कहा है, जो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। तो महादेव कहते हैं, राधा और कृष्ण जो भी कहते हैं और करते हैं उसके पीछे उनका आशय भी अनुचित नहीं होता है, उनके प्रत्येक कार्य के पीछे केवल प्रेम ही होता है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, आपका अर्थ यह है कि राधा के जो कहा है वो उचित नहीं है? तो महादेव कहते हैं, प्रत्येक प्राणी के लिए उसका स्थान, उसका परिवेश संसार में सबसे अधिक सुंदर स्थान होता है, जैसे पार्वती और मेरे लिए कैलाश से अधिक सुंदर स्थान पूरे संसार में कोई नहीं है, परंतु हम दोनों को देवी राधा की घोषणा से कोई आपत्ति नहीं है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, आप स्वयं महाकाल हैं, आप सबका संहार करते हैं, इसलिए आपको राधा की घोषणा से आपत्ति समस्या नहीं है, किंतु एक सृजनकर्ता जिसके सृष्टि के प्रत्येक जीव और निर्जीव वस्तु की रचना की है, उसकी इस
रचना के समक्ष यदि कोई ये कह दे कि उसकी रचना सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो उसके हृदय पर आघात पहुँचेगा ही। इसलिए मैं राधा की घोषणा को स्वीकार नहीं सकता हूँ। तो माता पार्वती ब्रह्मदेव से कहते हैं, आप शांत हो जाइए, राधा का आशय आपको आहत करना कदाचित नहीं था। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, या तो तभी सिद्ध होगा देवी पार्वती जब राधा अपनी कही हुई बात वापस लेगी। फिर महादेव कहते हैं, आप अपने आराध्य से इस विषय में वार्तालाप करें। तो महादेव कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, परंतु मैं अपने आराध्य से इस विषय में कुछ भी बात नहीं करूंगा, परंतु हाँ आपको कुछ करने से भी नहीं रोकूंगा। तो ब्रह्मदेव महादेव से कहते हैं, मेरी रचना को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो मैं अवश्य करूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण वृक्ष के नीचे सो रहे होते हैं, तभी वहाँ राधा आती है और कृष्ण से कहती है, कृष्ण चलो उठो, ये भी कोई विश्राम करने का समय है। तो कृष्ण राधा से कहता है, क्या बात है राधा, तुम आ गई, तनिक देखो इस नए वृंदावन को कितना सुंदर है। ये शीतल पवन चल रही है, इस वृक्ष की छाया तो है जैसे मैया के आंचल और प्रेम से परिपूर्ण है, आओ तुम भी विश्राम करो। तो राधा कहती है, मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आई हूँ अपितु तुमसे सहायता मांगने आई हूँ। तो कृष्ण कहता है, कहिए राधा रानी, क्या इच्छा है आपकी। तो राधा कहती है, तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मैंने कैसे यशोदा मैया के हृदय में अपना स्थान बनाया हूँ, जिससे कि वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मेरी माँ के मन में अपने लिए स्थान बनाना होगा। तो कृष्ण कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैया ऐसे सोच रही है कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा, कुछ कहा मैया ने तुमसे। तो राधा कहती है, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, किंतु मुझे ज्ञात है कि उनके हृदय में क्या है। तो कृष्ण कहता है, हृदय का क्या है, ये हृदय तो चंचल है, कभी कुछ चाहता है तो कभी कुछ और चाहता है, हृदय में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म का बोध होना आवश्यक है। और मैं तो सभी के लड लपेट से परे होकर अपने कर्मों से सभी के हृदय पर राज करता हूँ, तो मैं तुमसे मात्र विवाह करने के लिए किसी से पाखंड तो नहीं करूँगा। तो राधा कहती है, मेरी सहायता नहीं करोगे। तो कृष्ण कहता है, कदापि नहीं करूँगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।